मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर आयतन अबू। और आप लोग कैसी है? हम लोग ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रमजान महीना चल रहे हैं तो मैंने सुबह 10:30 बजे से ब्लॉग वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह अनम ने स्कूल गया। स्कूल जाने के बाद मैंने आया किचन पे अनम को लेके, उसका पापा गया। तो आज है थर्सडे, अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो सुबह बहुत ज़्यादा मैंने बिजी रहती तो इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिलते, और इसलिए मैंने सुबह कभी कभी कैमरा ऑन कर नहीं पाते। हाँ, ये है मिंट लीफ पुदीना का पत्ता, इसका शरबत बनाएंगे। और मेरा चैनल में आज ये वाला शरबत, जो ग्रीन शरबत होता है, ग्रीन जूस मैंने बनाएंगे होममेड मेरा तरीका से। तो आप लोगों को कैसे लगेगा आप लोग जरूर बताइए, और देखते रहिए मेरा चैनल में मैं ये जूस कैसे बनाती हूँ। और ये जूस का मैं रेसिपी कैसे बनाती हूँ वो मैं मेरा इंडियन यूट्यूबर आयतन अबू का चैनल में ऑलरेडी है, तो आप लोग देख सकते हो। आप के उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फिर तो आज भी बनाएंगे, वो भी दिखाएंगे, क्योंकि इसका जो शरबत होता है ना बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही यम्मी होता है। तो मैं रमजान महीना में इफ्तारी करने के बाद हम लोग ये जूस कभी कभार पीता है, और इफ्तारी करने के बाद ना ये जूस पीने से पेट बहुत सही रहते। और आगे देखते रहे मैं क्या क्या बनाएंगे। तो चलिए फिर, तो इधर तो मैं ये क्लीन कर देंगे और रेडी कर लेंगे जूस बनाने के लिए। शाम में इफ्तारी होगा उस टाइम मैं बनाएंगे। तो राइस हो गया, 2 सीटी आया, तो आप बैठा दिया मैंने प्रेशर कुकर में। मैंने मटन बनाएंगे तो मैंने एक पोटैटो 2 पीस करके दिया, और 2 कैरेट दिया, और ये मटन मैंने अभी धोल के लिया, क्लीन कर लिया। तो इसको मैंने आप बनाएंगे, उसके लिए मैंने प्याज एंड पोटैटो सब फ्राई कर लिया। अभी मसाला कुछ भी ऐड नहीं किया मैंने, जो हेल्दी वाला सूप है ना वो बनाएंगे, निहारी टाइप का सूप बनाएंगे, क्योंकि अभी मटन का निहारी का सूप ना आनंद का बहुत ज़्यादा ही पसंद है, इसलिए मैं उस टाइप का बनाएंगे जो पोटैटो एंड कैरेट के साथ। तो प्रेशर कुकर में सीटी देंगे तो कैरेट जल जाएंगे, तो बच्चे के लिए ये कैरेट बहुत ही अच्छी होता है। और मैंने ग्रीन चिली ना खड़ा डाल देंगे, क्योंकि ग्रीन चिली जो पेस्ट डालने से ना वो जो ग्रेवी बहुत तीखा हो रहे थे, इसलिए मैंने खड़ा खड़ा डाल देंगे, तो तीखा ज़्यादा नहीं होगा। प्याज को मैंने ब्राउन करके फ्राई कर लिया, तो आप ऐड करेंगे मैं जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। और ये वाला जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने पहले ही करके रखते थे वो है, तो जो ख़त्म होने वाले ज़्यादा नहीं है। इसमें मैंने मगज़ जो दाना होता है ना, तो मगज़ दाना एक साथ मिला के पेस्ट किया, इसलिए ज़्यादा वाइट है। तो 1 चम्मच भर के मैं देंगे, क्योंकि इसमें मगज़ दाना भी है, इसका और भी टेस्ट आएगी। अब मैंने भून लेंगे मसाला के साथ, अभी तक मैंने मसाला ऐड नहीं किया, थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट को मैंने थोड़ा भून लेंगे, उसके बाद मसाला देंगे। मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भून ले, थोड़ा पानी ऐड किया ताकि मसाला जल ना जाए अंदर, और मैंने पोटैटो और कैरेट अभी डाल दिया, क्योंकि उसके साथ भुनाना हो जाएंगे। और मसाला ऐड कर देंगे अभी, या 1/2 किलो मटन तो मैंने थोड़ा ही डाल देंगे, क्योंकि मैंने ज़्यादा मसाला दाल नहीं बनाएंगे आज, जस्ट सूप बनाएंगे, जस्ट 1/2 टी स्पून जस्ट एंड सॉल्ट। तो सारे मसाले ऐड कर दिया मैंने, अब थोड़ा भून लेंगे, भुनने के बाद मटन ऐड कर देंगे। अब मैं ऐड कर रही हूँ यह काशू नट, क्योंकि केसरी नट मटन सूप में बहुत अच्छी लगता है, इसलिए मैं देती हूँ। तो चलिए आप डाल देती हूँ मैं मटन, ये वाला मटन। तो मैंने जस्ट मसाला थोड़ा थोड़ा करके डाला, क्योंकि ज़्यादा मटन नहीं है, थोड़ा ही मटन है। तो मैंने थोड़ा मसाला के साथ भून लेंगे, उसके बाद पैन ऐड करके सीटी लगा देंगे। तो मटन का निहारी जो बनाएंगे सूप, उसका मैंने गरम मसाला नहीं डाल देंगे, उसका अंदर मैंने डाल देंगे ये वाला खड़ा गरम मसाला जो होता है ना, इसको मैंने कूट करके देंगे इस तरह। तो मैं जब मटन का सूप बनाती हूँ तब इस टाइप का कूट करके देती हूँ मैं, खड़ा मसाला होता है
इसका फ्लेवर ना बहुत ज़्यादा अच्छी आता है, जो मसाला गर्म मसाला होता है ना, गर्म मसाला से ज़्यादा अच्छी फ्लेवर आता है, तो मैं इसको देंगे। तो अभी मैं इसको ठीक से भून लेंगे, उसके बाद पानी ऐड कर देंगे। और इधर मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया केटली में, क्योंकि मैं हमेशा केटली में पानी गर्म करती हूँ जब सब्ज़ी वगैरह में देती हूँ, कि ठंडा पानी देने से ना वो ज़्यादा लेट में पक जाते, इसीलिए मैं गर्म पानी करती हूँ। तो मैंने अच्छी तरह से भून लिया, अब पानी ऐड कर रही हूँ। तो मैं थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करेंगे क्योंकि सूप टाइप का होगा, तो मैं पानी ऐड कर दिया, आप लीड बंद कर देंगे। तो प्रेशर कुकर का लीड बंद कर दिया, अब सीटी हो जाए, उसके बाद रेडी हो जाएगा मटन निहारी सूप। तो चलिए बाकी काम कर लेते फिर। और मैंने इफ्तारी के लिए और चिकन निकाला, तो चिकन करी बनाएंगे एंड चिकन का पकौड़ा बनाएंगे। तो इसको मैंने अभी धोल कर लेंगे क्लीन करने के, फिर मैरिनेट करके फ्रिज में रख देंगे। मैंने भिगो के दिया सुबह, तो बहुत ज़्यादा ये देखिए तो दोपहर के बाद और ज़्यादा फूल जाएगी, तो इसको मैंने उबाल के चना मसाला बनाएंगे। अभी मेरा थोड़ा बहुत काम हो गया, बाकी थोड़ा बाकी बचा है, तो मैं जल्दी जल्दी करके फिर जाएंगे अनम को लेने के लिए स्कूल में। उनके पापा जा रहे, तो उनका काम है, सो गया अभी, तो सो गया लेट में उठे के, इसीलिए मैं लेके आऊँगी आज। और अभी दिन मटन हो जाए, तो इस टाइम में मैंने ये रेडी कर लेंगे, क्योंकि इसमें ना ठीक करके रेडी करना है मुझे, मुझे ज़्यादा इसको छोटा नहीं करना, इसको ऐसे ऐसे करके क्लीन करके इस टाइप का लेंगे। और इस टाइप का करके मैंने धोल देंगे, अच्छी तरह से धोल के मैंने एयरटाइट कंटेनर करके फ्रिज में रख देंगे, कुछ दिनों तक फ्रेश रहेगी, एक हफ्ता तक फ्रेश रहेगी इस टाइप का, क्योंकि ना डायरेक्ट रोज रोज पॉसिबल नहीं होता मार्केट जाने ये लेने के लिए। तो मैंने एक हफ्ता व दो हफ्ता के लिए इस टाइप का करके रख देती हूँ फ्रेश करके फ्रिज में, ताकि फ्रेश रह जाए। मैंने बहुत बार किया, तो बिल्कुल इस तरह के ही ताज़ा रहते, बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो ये वाला मेंटली वाश बहुत ही अच्छा मिला, मैंने हर टाइम अच्छे नहीं मिलते, लेकिन आज मेंटली बहुत ज़्यादा ही फ्रेश मिला। कुछ कुछ लोगों ना इसका फ्लेवर अच्छी नहीं लगते, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छी लगता है इसका फ्लेवर। तो चलिए फिर सारे मेंटली को मैंने क्लीन कर लेंगे। तो मैंने इस तरह का मेंटली को क्लीन कर लिया ऑलरेडी, तो इस पर पानी निचोड़ने के बाद फिर मैंने थोड़ा फ्रिज में रख देंगे, थोड़ा शरबत बनाने के लिए रखेंगे अलग करके। तो मैंने अभी ये पानी नहीं छोड़ा, तब तक इसको मैंने इसको थोड़ा ढक करके रख देंगे। और मैंने इधर चिकन को धुल लिया, तो अभी क्लीन हो गया, अच्छे से पानी नहीं छोड़ लिया। अब मैंने मैरिनेट करके फ्रिज में रख देंगे, जब इफ्तारी होगा तब मैंने चिकन तंदूरी टाइप का पकौड़ा बनाएंगे आज। तो मैंने फर्स्टली ऐड करेंगे लेमन जूस, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून, सॉल्ट टेस्ट के अनुसार, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर एंड धनिया का पाउडर। तुमने एक किलो चिकन लिया, एक किलो चिकन में जितना चाहिए उतना ही देना है। तो मैंने मेरा हिसाब से मैंने दिया, अब मैंने ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर थोड़ा एंड कश्मीरी रेड चिली पाउडर कलर के लिए एंड ब्लैक पेपर पाउडर। तो मैंने अभी प्याज पेस्ट नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि प्याज सब में ज़्यादा पानी छोड़ता है पेस्ट में, तो मैंने बाद में जब पकौड़ा बनेंगे थोड़ा देर पहले मिला लेंगे। तो मैंने मसाला के साथ सब कुछ मिला लेंगे, मिला के फिर फ्रिज में रख देंगे। तंदूरी टाइप का चिकन फ्राई बनाएंगे आज, इसलिए मैंने ज़्यादा कोटेड नहीं करेंगे, बेसन कॉर्नफ्लोर नहीं डाल देंगे। जब पकौड़ा बनाते हो ना, तब कॉर्नफ्लोर बहुत ही अच्छा रहता है, कॉर्नफ्लोर से ना पकौड़ा कोटेड हो जाते और क्रिस्पी से बन जाते। तो इस टाइप का मैरिनेट करके रखते हो ना सुबह, तो अब मैं सुबह रख रही हूँ, और फ्राई करने के टाइम ना जल्दी जल्दी फ्राई हो जाते। इस टाइप का मैरिनेट करके ना अंदर सारे मसाला चला जाते, तो चिकन पकौड़ा तंदूरी का टेस्ट बहुत अच्छी आता है। अब ऐड करने जा रही हूँ मैंने सोया सॉस 1 टीस्पून एंड गरम मसाला पाउडर। मैंने ना मेरा हिसाब से मैंने दे रही हूँ जितना चाहिए उतना ही, चिकन का पर डिपेंड करता है कितना चाहिए मसाला। तो मैंने इस टाइप का देखिए मैरिनेट कर लिया, मिला देंगे सॉस को। तो इस टाइप का मैरिनेट करके अभी डाल देते हैं। अभी 11:15 हो चुका ऑलरेडी, अनम को लेने जाना है। तो फ्रेंड्स चलिए फ्रिज में रख के फिर मैं अनम को लेने जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, देखिए अनम स्कूल से आ गया। आने के बाद बोल रहे डायनापुर पहना माना, तुम स्कूल में जाके पढ़ाई किया नहीं, तुम डायनापुर के बारे में सोचते रहते हमेशा। हाँ ना उधर क्या ये बॉल फेंक दिया,
बाहर अनम ने तू बॉल फेंक दी तेरा फेवरेट बॉल ओ शिट अनम नीचे बॉल फेंक दिया दो दो बॉल फेंक दिया देखिए अनम आके स्कूल से आके बॉल लेके बैलकोनी से फेंक दिया चलो चलो अभी क्या तो व्यूअर्स चलिए अभी अनम को क्लीन करके फिर उसको खाना खिलाना पड़ेगा नहाना पड़ेगा। हेलो व्यूअर्स तो अभी बज रहे दोपहर 3:15 तो अनम अभी सो गया तो अनम अभी सोने के बाद मैं थोड़ा क्लीन अप कर लिया करने के बाद अभी और कुछ काम बचा है तो कपड़ा सारे फोल्ड कर लिया मैंने क्योंकि टाइम नहीं मिलते हैं रमजान महीने में कुछ ना कुछ काम बच जाते तो मैंने सारे ये ब्लैंकेट वगैरह जो है उसको रखना है तो अभी तो इतना भी ठंडी नहीं है तो कारपेट को मैंने धूप पे क्यों दिया क्योंकि अनम ना पानी फेंकता है और देखिए अब उन्हें थोड़ा देर पहले सारे प्लांट में पानी दिया जो ब्लैक ग्रेप्स होता है उसका जो पौधे देखो कितना खूबसूरत हो रहे तो इसका जो नीचे का बहुत सारे कचरा को फेंक दिया और देखिए मेरा जो पुदीना का लीफ ने मैं इसमें लगाया तो थोड़ा बहुत आया ज़्यादा नहीं है तो इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकते बारिश के टाइम तो चलिए फिर मेरा अभी क्लीन अप तो हो गया अनम भी सो गया अभी कुछ काम है वो भी कर लेंगे जल्दी जल्दी के बाद 4 बजे से मैंने स्टार्ट करेंगे इफ्तारी बनाना और ये वाला प्लांट मैंने किचन रूम पे लेके आया क्योंकि इसमें ना मैंने जो लीफ में ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमा तो मैंने इस तरह का स्प्रे कर लूँगी किचन में लेके आती बेसिन का बबल क्योंकि इसका पानी घर में ना गिरे तो इसलिए मैंने इसमें अभी पानी स्प्रे करने जा रही हूँ ताकि इसका जो धूल मिट्टी सब निकल जाए इस तरह का देखिए तो मैंने पूरा देखिए क्लीन कर दिया इसका लीफ में इससे पानी का बंदे ये बहुत ही और खूबसूरत है अब थोड़ा पानी निचड़ जाए उसके बाद में फिर घर में रखेंगे मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ सब्जी वगैरह काट कर लेती हूँ और डिनर के लिए बनाना और इफ्तारी के लिए क्या क्या बनाएंगे और दिखाएंगे इफ्तारी के लिए तो मैंने ऑलरेडी चना भिगो के रखा और उसको उबाल करके लेंगे उसको भुनाएंगे सेम तरीका से भुनाएंगे मैंने जिस दिन पहले रोजा में मैंने देखा उसी के हिसाब से और पकौड़ा तो मैं बनाएंगे चिकन का तंदूरी वो है मैंने करा हुआ ऑलरेडी तो आज ज़्यादा कुछ भी नहीं बनाएंगे सिंपल सा ही बनाएंगे तो दिखाएंगे जरूर तो देखते रहिए फिर तो व्यूअर्स अब मैंने जरूर प्याज का पेस्ट क्योंकि प्याज पेस्ट करके रखती हूँ मैंने फ्रिज में तो आज ख़त्म हो गया तो मैंने प्याज काट कर लिया ज़्यादा क्योंकि मैंने कुछ 2-3 दिन के लिए एक साथ में पेस्ट बनाती हूँ और चॉप भी कर लेती हूँ ये चॉपर है तो कुछ प्याज चॉप कर लेंगे कुछ पेस्ट बना लेंगे तो मैंने इस तरह का प्याज भर दिया फूल करके तो आप लीड बंद कर देंगे इसका तो इसमें मैंने सारी चीज़ मिला के पेस्ट बनाया इसमें है प्याज जिंजर गार्लिक ग्रीन चिली ड्राई गरम मसाला सब मिला के पेस्ट कर लिया और यहाँ पे सिर्फ प्याज पेस्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने प्याज को जस्ट चॉपेट कर लिया तो मेरा हाफ काम तो हो गया फिर चना बनने के लिए बैठा दिया मैंने और अभी बनाएंगे बाकी खाना और सारे मसाला मैंने पीस लिया प्याज एंड जिंजर एंड गार्लिक सब रेडी हो गया खाना बनाने के लिए तो मेरा अभी मैंने स्टार्ट कर दिया यह है कोकुम्बर का जो ग्रीन जूस होता है ना हेल्दी ग्रीन जूस उसके लिए मैंने प्रिपरेशन कर रही हूँ अभी तो ग्रीन हेल्दी ग्रीन जूस बनाने के लिए मैंने लिए है कोकुम्बर एक बॉल साइज का कोकुम्बर काट कर लिया और मिंट लीफ लिया तो पुदीना का पत्ता एंड लेमन लिया एक और हाफ एंड मैंने एक इंच टाइप मैंने जिंजर लिया इससे मैंने बनाएंगे तो मैंने एक बॉल जार लिया मिक्सर ग्राइंड उसमें मैंने सारे कोकुम्बर को ऐड कर देंगे तो मैंने सारे कोकुम्बर ऐड कर दिया आप ऐड कर देंगे मिंट लीफ पुदीना का पत्ता तो ये है फ्रेश मिंट लीफ आप ऐड करेंगे जिंजर एंड लेमन जूस लेमन को मैंने पहले जूस बना के लेंगे उसके बाद देंगे इसमें ऐड करना है मेरा को एक गिलास यह है एक गिलास पानी ठंडा पानी नॉर्मल पानी एंड ठंडा पानी जो भी यूज़ कर सकते हैं तो क्योंकि इसमें पानी नहीं मिलाएगा ना तो जूस नहीं होगा इसलिए मैंने पानी मिला दिया तो ठीक है अब मैंने जूस बना देंगे लेमन का तो ठीक है मैं अभी लेमन जूस बना लेंगे मैंने इस तरह का एक गिलास लिया
तो और इस टाइप का लेमन को मैंने जूस बना लेंगे इसके, हाँ जूस निकाल लेंगे मैंने। ये भी एक तरीका जूस निकालने का शॉर्टकट, तो इस तरह का लेमन काट कर लेना है आपको। और ये जो मोटा वाला गिलास होता है जो भी, उसमें इस तरह का करना है, तो इससे ना जूस अच्छी तरह से सारे निकल जाता है, देखो बिल्कुल नहीं है। तो इसी तरह मैंने सारे जूस निकल लिया, क्योंकि लेमन जो ग्रीन जूस होता है शरबत, उसमें लेमन देना है, क्योंकि लेमन बिना हो ही नहीं सकते। तो मैंने सारे लेमन जूस निकल दिया, अब उसमें डाल देंगे, अब मैंने डाल देंगे ये वाला लेमन जूस। और मैंने लेमन जूस ऐड कर दिया, आप ऐड करेंगे शुगर एंड रॉक सॉल्ट। शुगर ऑप्शनल है, जो शुगर नहीं खाते तो शुगर डालने की कोई ज़रूरत नहीं, इसे भी पी सकते, बहुत ज़्यादा ही हेल्दी होता है। तो चलिए फिर मैं शुगर ऐड करती हूँ, क्योंकि हम लोग शुगर थोड़ा खाते हैं इसीलिए। और हाफ टी स्पून ये है रॉक सॉल्ट, शुगर मैंने 2 टेबल स्पून देंगे, क्योंकि मैंने 4 बना रही हूँ इसमें 7 गिलास शरबत, मैंने 7 गिलास करीब शरबत बनाने वाली, इसलिए मैंने 3 टेबल स्पून शुगर डाला, क्योंकि लेमन है तो खट्टा होगा थोड़ा, इसलिए शुगर डाला मैंने। अब देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया और लीड भी बंद कर दिया। अब मैंने मिक्सर लिया, तो मैंने इसमें लगा देंगे, और मैंने मिक्स कर लिया, मिक्सर में ग्रीन जूस रेडी हो गया। अब तो मैंने इस तरह का एक बोल लिया, बोल में पानी लिया, और उसके बाद मैंने ये वाला शरबत छान लेंगे, क्योंकि बहुत गाढ़ा है, क्योंकि इसमें सब कुछ मिलाया, कोकुम्बर, कोकुम्बर का जो आँश होता है उसका निकलना है इस टाइप का। बड़ा वाला छलनी होता है ना तो बहुत अच्छी होता है, लेकिन मेरे पास बड़ा वाला छलनी था तो मैंने और काम पे यूज कर दिया ऑलरेडी। सेम तरीका से मैंने सारे जूस छान लेंगे। तो व्यूअर्स देखिए मेरा ग्रीन शरबत बन के रेडी हो गया इस टाइप का, तो मैंने बिल्कुल नेचुरल देखा जैसे बना वैसे। तो इसमें से कोकुम्बर एंड मिंट लीफ जो पुदीना है और खीरा, उसके बजाय ग्रीन हो गया, तो बहुत ही मैंने छान लिया रेडी। देखिए बिल्कुल इसका स्मूथ एक जूस बना के रेडी हो गया। तो देखिए मार्केट से खरीदने की क्या ज़रूरत, आप लोग घर में इसे बना सकते हैं, रमजान में ईद तैयारी करने के टाइम खा सकते, और ऐसे भी जब समर सीजन आएगा ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ते ना, ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है आपका हेल्थ को, तो इसीलिए आपको ये शरबत हर रोज़ पीना चाहिए, बहुत हेल्पफुल है स्किन बॉडी के लिए, स्किन के लिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिए आप लोग, और कैसे हुआ प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना ज़रूर, और मेरा ब्लॉग इसी तरह देखते रहिए, और ब्लॉग कैसे लगता है प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो चलिए मेरा ये रेडी हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इस तरह का सर्व करा, जो मिंट जूस है ना वो इस तरह का सर्व करोगे तो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया दिखाएगी। तो मैंने इस तरह का मिंट लीफ देके सर्व कर दिया, और मिंट लीफ में भी दे सकते। तो व्यूअर्स ये है ग्रीन जूस, इससे हम लोग इफ्तार कर लेते। हेलो व्यूअर्स देखिए, तो अभी डिनर का टाइम है, तो हम लोग इफ्तार करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, बहुत देर बाद अब मैंने कैमरा ऑन कर रही हूँ, और ना मैं यहाँ पे बैठ के स्वीट कॉर्न खा रही, और घर का हालत बिगड़ के रख दिया, तो मैं मुझे ये ठीक करना है, अभी मैं नहीं ठीक करेंगे और हम सोने के बाद। तो अनम रात में राइस खिला रही हूँ, नहीं खिला रही, सिर्फ कॉर्न खा रहे। तो अब मैंने खाना सर्व किया, ये है राइस पकौड़े एंड चिकन, जो मैंने चिकन करी बनाया ना, चिकन कषा। ये है आज का डिनर का सिंपल मेनू, और फिश करी है, लेकिन अब उन्हें फिश नहीं खा रहे इसलिए मैंने नहीं दिया, सिर्फ चिकन और राइस खाएगी। चलो फिर व्यूअर्स हम लोग डिनर कंप्लीट कर लेते। तो मैंने आज का ब्लॉग वीडियो यहाँ पे ऑन करने जा रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा, मैंने सारा दिन दिखाया क्या किया, जो रियल लाइफ में हम लोग रहते ना वही दिखाते हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं दिखाते। देखिए तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, तो हमें अच्छा लगेगा। तो गुड नाइट व्यूअर्स, टेक केयर, बाय। अनम गुड नाइट बोलो व्यूअर्स को, अनम गुड नाइट। अनम बेबी बॉस देख रही इधर, इसीलिए इसका ध्यान इधर टीवी में। अनम का काम करते करते तो मैं रात हो जाएगा बहुत, क्योंकि अनम देखी क्या किया। तो चलिए फिर।